अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास क्लास 11 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, जिसमें मोशन एंड फोर्स का चैप्टर है हमारे पास। यहाँ हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को क्या करेंगे, वेक्टर के लिहाज से बताएंगे। वेक्टर के लिहाज से अगर हम वेक्टर के जरिए डिस्प्लेसमेंट को शो कराएं तो कैसे शो कराएंगे, और वेक्टर के लिहाज से हम कैसे उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, इसके लिहाज से हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं। आपने 9th में भी पढ़ा होगा और 10th में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन शो कराने के लिए क्या करेंगे, इस डिस्प्लेसमेंट को पढ़ रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की तरफ आएंगे हमारे पास। चलो चलते हैं अपने इस डेफिनेशन की तरफ। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है, वो होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये मेरे पास दो कोई पॉइंट्स है, एक पॉइंट वन है, ये पॉइंट टू है। अब अगर मैं इस रास्ते से जाऊं, ये मेरे पास क्या है, ये भी डिस्टेंस है। अगर मैं इस रास्ते से जाऊं, ये भी डिस्टेंस है। लेकिन मैं अगर ये घूम कर दोनों साइड से नहीं जाता, मैं ये स्ट्रेट लाइन लगाता हूं, क्या करता हूं, मैं ऐसे सीधा जाता हूं पॉइंट ए से पॉइंट दो की तरफ, क्या होगा। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, अब देखा जाए तो ये इन दो के जो ये दो हमारे पास डिस्टेंस है, ये इनसे कम फासला है, इन दो डिस्टेंस से कम फासला। अब ये हमारे पास क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कराएगी, क्योंकि ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन दिस पर। तो हमारे पास क्या आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड बिटवीन टू पॉइंट, टू पॉइंट के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ये हमारे पास लॉन्ग रूट था, ये भी लॉन्ग था, लेकिन ये था शॉर्ट, इसलिए ये क्या है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। कोई भी मतलब अगर आप किसी शहर से जाना चाहते हैं, दो तीन रास्ते हैं, एक आपके लिए लंबा पड़ता है, दूसरा आपके एक स्ट्रेट पड़ता है, तो आपको जो स्ट्रेट पड़ेगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर आप यानी कि जो कर्व फॉर्म में होगा आपका डिस्टेंस, वो आपका डिस्टेंस ही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन भी यहाँ बताई गई है, द चेंज इन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। मतलब मेरे पास बॉडी कोई जब पोजीशन वन पे थी, अब जैसे ये डिस्प्लेस होके ये दूसरी पोजीशन पे गई है, अब इसकी ये चेंजिंग को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर चले जाना या अपनी पोजीशन को चेंज कर लेना पहली पोजीशन के लिहाज से फाइनल पोजीशन तक, वो हमारे पास क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। अब डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पे मकसद ही यही है कि इसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से जाहिर करें और इसको एक्सप्लेन करें। लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, क्या है, एक्स वाई। हम अक्सर जो लेते हैं ज्यादातर एक्स वाई प्लेन में ही चीजें लेते हैं। मेरे पास एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन पे हमारे पास पोजीशन ए पोजीशन पे हमारे पास क्या है, फाइनल पोजीशन, ये क्या है, इनिशियल पोजीशन, ए पोजीशन क्या है। यहाँ पे हमारे पास कोई बॉडी है, लेट्स सपोज यहाँ मैंने जाना है यहाँ से किसी दूसरे शहर, ये मेरा घर है, मैं ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, मेरी इनिशियल पोजीशन। और ये मेरे पास बी कोई फाइनल पोजीशन, जो शहर है जिस शहर मैंने जाना है। अब क्या है हमारे पास, मैं क्या किया, एक्स वाई प्लेन बनाया, उसमें अपनी पोजीशन जाहिर की, प्लेन बना ड्रा किया, उसमें अपनी पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन और ये हमारे पास फाइनल पोजीशन। अब इन पोजीशन को मैंने क्या करना था, वेक्टर के लिहाज से ड्रा करना था, क्योंकि हमने यहाँ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करनी है। हमने ओरिजिन से एक वेक्टर लेना होता है, ये हमारे पास एक्स वाई का ओरिजिन है, एक्स और वाई का ओरिजिन, ठीक है ना। हमने यह क्या किया, हमने यहाँ ओरिजिन से हमने क्या लिया, एक्स और वाई का क्या है, ओरिजिन लिया, ओरिजिन से मैंने क्या लिया, इनिशियल पोजीशन का एक वेक्टर ले लिया और फाइनल पोजीशन का एक वेक्टर ले लिया। ये मैंने दो वेक्टर लिए और ये मेरे पास एक तीसरा वेक्टर है जो मैंने डिस्प्लेसमेंट, अगर मैंने ये क्या तीसरा वेक्टर लिया, मेरे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक और वेक्टर होता है, ये वेक्टर नहीं होगा, ये मेरे पास कोई कर्व डिस्टेंस होगा, क्या होगा, डिस्टेंस। ये मेरे पास कर्व डिस्टेंस है और ये मेरे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अब मैंने क्या किया, इन तीनों को अपनी पोजीशन को जो इनिशियल पोजीशन थी उसको वेक्टर में ड्रा किया और मेरी फाइनल पोजीशन उसको भी मैंने एक्स वाई प्लेन में वेक्टर से ड्रा किया। अब जो तीसरे इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा या जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अब उसको मैंने क्या किया, वेक्टर से शुरू करा दिया। अब मैंने ए से, अब मैं जब ए से बी की तरफ गया हूँ, ये मेरे पास फाइनल पोजीशन थी, ए से बी की तरफ गया हूँ, तो मेरे पास ये जो डिस्टेंस आया है, ये जो मैग्नीट्यूड आई है वेक्टर की, ये मेरे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब ये कौन सी पोजीशन है, अब मैं इसमें क्या करूंगा, ये मेरे पास हेड स्टार्ट होगी इनिशियल पोजीशन से और जो इसका इसकी टेल जो होगी, टेल होगी ना, वो इनिशियल पोजीशन के हेड से ज्वाइन होगी और इसका जो हेड होगा वो फाइनल पोजीशन के हेड से कनेक्ट होगा और इस तरह हमारे पास क्या होगा, एक
हेड टू टेल रूल क्या बन गया, वेक्टर बन गया हेड टू टेल रूल हमारे पास। अब क्या हो गया हमारे पास, इनिशियल वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फाइनल वेक्टर। यहाँ पे सिर्फ हमने ये शो कराना था कि मेरी पोजीशन इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन बी है, तो मैंने इनिशियल पोजीशन पे मैंने वेक्टर आर वन लिया और फाइनल पोजीशन पे मैंने वेक्टर आर टू लिया। अब इन दोनों के दरमियान मैंने डिस्प्लेसमेंट करना था, तो मैंने पोजीशन ए से यानी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन बी की तरफ गया, तो इसलिए मैंने टेल इनिशियल पोजीशन पे लगाई और हेड दूसरे फाइनल पोजीशन के हेड से लगाया। अब इसकी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी होती है, तो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड देखने के लिए हम अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, आपने हेड टू टेल रूल का सूत्र पढ़ा होगा, उसमें क्या करते हैं ऐड करते हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो फाइनल है या रिजल्टेंट जो वेक्टर होता है वो हमारे पास यहाँ पे आर टू है, कौन सा ये वेक्टर, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ हमारे पास क्या होगा, हमेशा की बात नहीं कर, यहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर बड़ा है। अब हम इस यहाँ से हमने डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड निकाल लिया, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल हम ऐड करेंगे बी प्लस आर वन, क्योंकि ये हमारे पास इनिशियल पोजीशन आर वन वेक्टर है और ये हमारे पास फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन हमारे पास रिजल्टेंट है। हमें पता है कि हेड टू टेल रूल के मुताबिक जो हमारे पास दो या तीन वेक्टर दिए गए हैं उनको ऐड करें तो हमारे पास आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू आर थ्री को रिजल्टेंट वेक्टर होता है जो बड़ा होता है। यहाँ पे R2 बड़ा है तो इसलिए मैंने D प्लस R1 इज इक्वल टू R2 लिख दिया। अब यहाँ से हमने D की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस तरह लिख के हम लिखेंगे R2 माइनस R1, ये हमारे पास क्या आएगी, D की वैल्यू आएगी डिस्प्लेसमेंट की, वेक्टर के लिहाज से क्या है, ये वेक्टर के लिहाज से रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर से हम इसकी वेक्टर से वेक्टर के लिहाज से हम इसकी क्या करें वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट, इससे हम क्या कर सकते हैं इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं मैग्नीट्यूड। असल में इसमें बताना यही है कि हम वेक्टर से उसे शो करें। अब इसकी जो स्ट्रेट लाइन है हमारे पास हेड टू टेल रूल, अगर आपको ऐसे रिजल्टेंट पता ना चले तो रिजल्टेंट का ये असूल है कि जो हमारे पास क्या हो गया वेक्टर, हमारे पास ऐसा वेक्टर जिसकी टेल किसी दूसरे वेक्टर के टेल से और उसका हेड किसी दूसरे वेक्टर के हेड से मिला हो तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। अब अगर हम यहाँ देखें आर टू क्या है, उसकी टेल और R1 की टेल क्या है आपस में मिली हुई है, लेकिन क्या है हेड किसका मिला हुआ है, हमारे पास फाइनल वेक्टर का, किसका पोजीशन वेक्टर जो फाइनल पोजीशन है उसका हेड हमारे पास क्या है डिस्प्लेसमेंट के हेड से मिला हुआ है, इसलिए हमारे पास ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट की पहचान है कि हेड हेड से मिला होगा और टेल टेल से मिली होगी, हेड हेड किसी दूसरे वेक्टर से मिला होगा और टेल किसी दूसरे टेल से मिली होगी, दूसरे वेक्टर के टेल से मिली होगी। इस तरह हम मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा रिजल्टेंट है और कौन सा नहीं है रिजल्टेंट। असल में यही शो कराना था, हमारे पास कोई दो पोजीशन वेक्टर हैं, ठीक है ना, हमारे पास R1 R2 और उसके दरमियान जो पॉइंट है उसके दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास D है और हमारे पास इसका रिजल्टेंट या इसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी, डी ई प्लस आर वन इज इक्वल टू आर टू और डी इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन, हमने यही शो करवाना है, इसकी यह है मैग्नीट्यूड। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड को लिखेंगे, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड जो होगी इसकी वो होगी ए बी, क्या होगी ए बी वेक्टर होगा, हमारे पास ए बी वेक्टर है ना, ये हमारे पास ए से बी की तरफ गया है, ये जो वेक्टर जा रहा है हमारे पास ए बी ये डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम शो करा सकते हैं ए बी, ये इसकी क्या है मैग्नीट्यूड है ना, ये इसकी क्या है मैग्नीट्यूड। अब इसकी मैग्नीट्यूड होगी वो ए बी होगी, ए बी वेक्टर क्या होगी, ए बी वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, ये इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसे क्या करना है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करनी है। अल्लाह हाफिज़।